अंदर वाला चला गया यहीं से अंदर वाला देखो बीच वो पीछे वाले पीछे वाला हाँ बीच का खुले ना सर ये इनको पीछे तिवारी जी के बगल वाले सर कुछ क्षण हुए भगवान बद्रीविशाल के श्री कपाट खुले हैं, बहुत शांत माहौल, शांत वातावरण। मेरे साथ आदरणीय जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी, महाराजा टिहरी के प्रतिनिधि राजगुरु और हक हकूकधारी डिमरी पांडुकेश्वर आदि के लोग थे, और गिनती के वहाँ पे 11 लोग भगवान के कपाट खोलते समय सामने थे। लक्ष्मी मंदिर में 4 और 7 लोग भगवान बद्रीविशाल जी के द्वार पर दरवाजे पर भगवान के कपाट खुले, अखंड दीप जलते हुए मैं देख के आ रहा हूँ, अखंड दीप चल रही है। विशेष रूप से नारद जी, नर नारायण जी, इनके साथ भगवान बद्रीविशाल जी विराजमान थे, उनके अंक में लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। लक्ष्मी जी अभी अभी और अपने निज स्थान लक्ष्मी मंदिर में आ गई हैं, और भगवान के श्री गात्र पर घी देखा गया, घी सब जो है सुंदर है और भगवान के पूरे गात्र पर लेप है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि घी सरसब्ज रहा तो पूरे देश की व्यवस्था देखी जाती है, किस तरफ सरसब्ज है किस तरफ कम है। मैंने इस बार घी देखा, मुझे लग रहा है घी सरसब्ज भगवान के श्री गात्र पर है और पूरे विश्व की रक्षा सुरक्षा संपन्नता रहेगी। साथ ही भगवान के प्रथम दर्शन प्रारंभ हो गए हैं, यद्यपि बहुत कम लोग सामने हैं, लेकिन जो लोग आ नहीं पाए, हर वर्ष बद्रिकाश्रम आते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप सब की ओर से हमने भगवान के दर्शन किए हैं, आप सब की योगक्षेम के लिए सुरक्षा के लिए भगवान से हमने निवेदन किया, पुरजोर निवेदन किया, और साथ ही थोड़ी देर में भगवान की पूजा प्रारंभ होगी, लगभग 9:30 बजे के आसपास पहली महाभिषेक पूजा होगी। और आज की महाभिषेक पूजा की जो पहले मेरे पास रसीद आई है, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य, पूरे देश और विश्व की समृद्धि के लिए मेरे पास उनकी ओर से और प्रथम पूजा आई है, और पूरे राष्ट्र और विश्व की कामना के लिए शुभ और संकल्प के लिए और साथ ही सुरक्षा के लिए हम आज प्रथम पूजा भगवान की करेंगे। अभी अभी भगवान के श्री कपाट खुले हैं और मंदिर में चारों ओर शांति, और जो मैंने प्रभात में देखा शुभ मंगल देखा। मेरे साथ वृद्ध राजगुरु आदरणीय जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी थे, रावल जी थे, डिमरी लोग, हक हकूकधारी लोग सामने थे, और कल्याण की कामना करके भगवान से आया हूँ। भगवान बद्रीविशाल की जी सर। भगवान का स्त्री विग्रह देखा गया, वस्तुतः भगवान के स्त्री विग्रह में हम भारतवर्ष का नक्शा देखते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण या मध्य भाग कहाँ कैसा रहेगा। कभी कभी घी सूख जाता है भगवान के स्त्री गात्र में, घी होता है, कभी कभी सूख जाता है, लेकिन इस वर्ष में देख रहा हूँ भगवान के गात्र में घी लबालब था। मुझे पूरी आशा है जैसे मैं पढ़ पाया, जैसे देख पाया, जैसे मेरे साथ और साथी देखने लोग थे वाले विद्वान लोग थे, कि भगवत कृपा से यथाशीघ्र और पूरे विश्व से जो अशांति है या जो महामारी है वो समाप्त हो जाएगी और हमारा राष्ट्र कुछ नए रूप में उभर करके सामने आएगा। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये भगवान के गात्र का है, एकदम लबालब आपको दिखाऊँ, एकदम लबालब ये भगवान के श्री गात्र के घी, लक्ष्मी जी के गात्र के घी, ये एकदम बहुत सुंदर है। और ये कंबल भगवान को पहनाई जाती है, ये कंबल भी अपने में सरसब्ज है, दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूँ भगवान के कपाट खुल गए हैं, और क्योंकि विश्व पूरे भारतवर्ष के इष्ट
जम्बू द्वीप आदिवासी भगवान नारायण है और ये भगवान सबका कल्याण करेंगे, ऐसा मैंने अनुभव किया है। बद्री विशाल भगवान की जय।